हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम सी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंटर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझें, पॉइंटर है क्या। पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल है। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं, पॉइंटर भी उसी तरीके का एक वेरिएबल है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये पॉइंटर तो किसी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करता है। सिंपली अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो रैम में कोई एड्रेस लेता है और उस एड्रेस पर अपनी वैल्यू को स्टोर करता है। लेकिन पॉइंटर क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को भी स्टोर कर सकता है, या हम पॉइंटर के लिए खुद से भी मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। तो पॉइंटर की ज़रूरत क्यों होती है, ये शायद अभी के लेवल पर आपको समझना मुश्किल है, लेकिन जैसे आगे आप पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर या ट्री स्ट्रक्चर या ग्राफ स्ट्रक्चर, तो वहाँ आप देखेंगे कि बिना पॉइंटर के ये चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली अभी इस स्टेज पर आपको लगता है कि पॉइंटर की ज़रूरत ही क्या है, हम क्यों यूज़ करेंगे, लेकिन आगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत चीज़ें इससे यूज़ की जा सकती हैं। तो पॉइंटर में एक चीज़ होती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, पॉइंटर के थ्रू हम कर सकते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मली जब हम वेरिएबल एरे या कोई भी ऐसी चीज़ डिक्लेयर करते हैं तो वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, यानी मेन मेमोरी में उस वेरिएबल के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग स्पेस एलोकेट हो जाता है। जैसे ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कंपाइल टाइम पर, कंपाइलर उसको मेमोरी में कोई स्पेस दे देता है। लेकिन अगर मान लो हम एरे यूज़ कर रहे हैं, तो एरे के एलिमेंट्स हमने लिए हैं 5, तो 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ये मेमोरी में स्पेस ले लेगा। लेकिन अगर ये 5 एलिमेंट्स हमें ज़रूरत नहीं पड़े, हमारा काम सिर्फ 2 ही एलिमेंट में चल जाए, तो अननेसेसरी 3 एलिमेंट का स्पेस हमारा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इसको हम रिसाइज नहीं कर पाते हैं, एरे की साइज जो भी हमने दे दी एक बार। लेकिन पॉइंटर के थ्रू डायनेमिकली रन टाइम पर जब भी हमें ज़रूरत होती है, हम उतना मेमोरी स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। अगर हम एरे की साइज को बढ़ाना या घटाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉइंटर के थ्रू हम ये चीज़ें कर सकते हैं। पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसे होता है, पॉइंटर का डिक्लेरेशन नॉर्मल वेरिएबल जैसे ही होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है कि यहाँ एस्ट्रिक साइन यूज़ किया जाता है पॉइंटर नेम के पहले। तो नॉर्मल वेरिएबल जैसे हम डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, यहाँ उस नेम के पहले एस्ट्रिक साइन लगा होता है, जिससे कंपाइलर को ये पता चलता है कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, कुछ भी, किसी भी टाइप का हम पॉइंटर ले सकते हैं। अब इसे हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन यानी उसकी इनिशियल वैल्यू कैसे होगी। तो यहाँ दो ऑपरेटर पॉइंटर के साथ यूज़ किए जाते हैं, एक तो एस्ट्रिक साइन जो हमने देखा था, और दूसरा होता है एड्रेस ऑपरेटर। इन दोनों का यूज़ किया जाता है। तो जैसे यहाँ देखें, एक इंटीजर वेरिएबल है आई, जिसकी वैल्यू हमने ली है 25। अब एक पॉइंटर है इंटीजर पॉइंटर, ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंटर जिस डेटा टाइप का होगा वो उसी डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर सकता है, यानी फ्लोट पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर सकता है, या इंटीजर पॉइंटर फ्लोट वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है इंट एस्ट्रिक पीटीआर, यानी ये पॉइंटर वेरिएबल है। अब ये पॉइंटर क्या कर रहा है, एड्रेस ले रहा है, किसका, इंटीजर वेरिएबल आई का। ये क्या है, एड्रेस ऑपरेटर। तो आई के एड्रेस को स्टोर हम कहाँ करा रहे हैं, पीटीआर में। तो सपोज आई ये वेरिएबल है जिसका एड्रेस है 10 और इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 5, तो पॉइंटर क्या करेगा, इसी एड्रेस पे पॉइंट करेगा, यानी आई का जो मेमोरी एड्रेस है 10, वहीं पॉइंट करेगा। तो अगर पॉइंटर के थ्रू भी इस वेरिएबल की वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली अभी देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। इस प्रोग्राम में हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है x और एक इंटीजर पॉइंटर लिया है ptr। अब ये ptr क्या कर रहा है, x के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब अगर हम x की वैल्यू को प्रिंट करें डायरेक्टली वेरिएबल के थ्रू, तो क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 100।
अगर एड्रेस प्रिंट करना चाहें एक्स का, यानी किस मेमोरी लोकेशन पर डिक्लेयर है, तो हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाना होगा, तो वो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम पीटीआर यानी उस पॉइंटर के थ्रू उस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट करना चाहें, तो हमें क्या लिखना होगा, एस्ट्रिक पीटीआर। अगर हम सिंपली पीटीआर लिखेंगे इसका मतलब ये एड्रेस को प्रिंट करेगा, और अगर एस्ट्रिक पीटीआर के थ्रू हम पॉइंट कराना चाहेंगे या वैल्यू को प्रिंट करना चाहेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा, ना कि एड्रेस प्रिंट करेगा। तो अगर हम देखें इस प्रोग्राम को कंपाइल करके, तो एक्स की वैल्यू और पीटीआर की वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम एड्रेस पर स्टोर है। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 100, और एक्स का मेमोरी एड्रेस क्या आ रहा है -12। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू हम प्रिंट करें अगर पॉइंटर के थ्रू, तब भी ये वैल्यू क्या आ रही है 100, और उसका मेमोरी एड्रेस भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है जो एक्स का एड्रेस था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल जहाँ पॉइंट करता है उसी एड्रेस को हम एक्सेस कर पाते हैं पॉइंटर के थ्रू। लेकिन अगर पॉइंटर के लोकेशन को हम बढ़ा दें तो मेमोरी एड्रेस चेंज हो जाता है। सपोज हम करते पीटीआर प्लस प्लस, यानी पॉइंटर की वैल्यू को हम 1 से बढ़ा दें, तो ये अब क्या प्रिंट करेगा, ये मेमोरी एड्रेस अलग प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि अब देख रहे हैं ये 2 bytes लेता है इंटीजर वेरिएबल मेरे सिस्टम पे, तो ये -12 से कहाँ आ गया -10 पर, तो ये 2 bytes आगे खिसक गया। तो इस तरीके से हम पॉइंटर को अगर खिसकाएं तो वो साइज के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अगर इंटीजर वेरिएबल है तो ये मेमोरी एड्रेस इसका 2 से चेंज होगा, अगर फ्लोट है तो 4 से चेंज होगा। तो इस तरीके से पॉइंटर के थ्रू हम किसी भी मेमोरी लोकेशन से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉइंटर अरिथमेटिक में हम यही समझेंगे कि कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम पॉइंटर पर परफॉर्म करें तो एक्चुअली पॉइंटर की वैल्यू में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, बल्कि वो पॉइंटर के एड्रेस में मैनिपुलेशन होता है। देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी रन टाइम पर हम मेमोरी एलोकेट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं सी में, लेकिन उसके अंदर लिए कुछ फंक्शंस यूज किए जाते हैं, और ये फंक्शंस मौजूद होते हैं stdlib.h में, यानी ये हेडर फाइल भी हमें अपने प्रोग्राम में लगानी होगी, तभी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर पाएंगे। तो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इनमें जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज होते हैं, मेलॉक, सीएलॉक, फ्री एंड रियलॉक। तो सबसे पहले देखते हैं मेलॉक। मेलॉक फंक्शन किसके लिए यूज होता है, मेमोरी एलोकेशन के लिए, तो शॉर्ट में मेमोरी एलोकेशन को शॉर्ट में मेलॉक फंक्शन कहा जाता है। और इस फंक्शन को यूज कैसे किया जाता है, पॉइंटर का नेम इक्वल टू मेलॉक और कितने बाइट्स हम उस पॉइंटर को एलोकेट करना चाहते हैं वो साइज हमें देनी होगी। तो जैसे हम एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे की साइज दे देते हैं, इसी तरीके से रन टाइम पर हम पॉइंटर को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसको कितने बाइट्स एलोकेट करना है। जैसे यहाँ करें मेलॉक 100 इंटू साइज ऑफ इंट, यानी अगर इंटीजर हमारे सिस्टम पर 4 bytes ले रहा है तो 4 × 100 यानी 400 bytes एलोकेट हो जाएगा उस पॉइंटर को, और उस जगह पे हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेमोरी एलोकेशन होगा पॉइंटर के लिए। पहले हम लोगों ने देखा था कि पॉइंटर दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहा था, लेकिन अगर हम डायरेक्टली पॉइंटर में कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, उसको स्पेस एलोकेट करना चाहते हैं, तो हमें इस फंक्शन का यूज़ करना होगा। दूसरा होता है सीएलॉक। सीएलॉक क्या होता है, कंटिगुअस एलोकेशन। ये भी एक तरह का मेमोरी एलोकेशन फंक्शन ही है, जैसे मेलॉक फंक्शन था उसी तरीके से सीएलॉक है। डिफरेंस क्या है कि इसमें जो भी ब्लॉक एलोकेट होता है उसकी इनिशियल वैल्यू या डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होती है, और इसमें 2 आर्गुमेंट्स पास करते हैं। पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हम स्टोर कराना चाहते हैं, और एलिमेंट साइज। तो ये 2 चीज़ें करनी होती है, साथ ही साथ यहाँ बताना होता है कि पॉइंटर किस टाइप का होगा। तो PTR इक्वल टू टाइप कास्टिंग कर सकते हैं हम, जैसे फ्लोट एस्ट्रिक, यानी फ्लोट
डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हमें इतनी साइज चाहिए। तो सी एलोक फंक्शन के थ्रू भी मेमोरी एलोकेशन हो सकता है। देन है फ्री फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर हमने पॉइंटर को मेमोरी एलोकेशन किया है सी एलॉक या एम एलॉक फंक्शन के थ्रू, तो उस पॉइंटर को हमें फ्री भी करना होगा, नहीं तो क्या होगा, मेमोरी लीक की प्रॉब्लम होगी। हम स्पेस एलोकेट तो करते जाएंगे पॉइंटर को, लेकिन उसको हम फ्री नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे मेमोरी में उतने बाइट्स स्टोर होता जाएगा या पॉइंटर के लिए उतना स्पेस क्रिएट होता जाएगा। तो इसको फ्री करने के लिए हम फ्री फंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें वही पॉइंटर हम लेते हैं जिस पॉइंटर को हमने मेमोरी एलोकेशन किया है। तो मेलॉक या सी एलॉक फंक्शन अगर यूज करता है प्रोग्रामर, तो ये प्रोग्रामर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे फ्री भी करे। देन है री एलॉक फंक्शन। री एलॉक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, री एलोकेशन यानी वापस से हम अगर साइज को चेंज करना चाहते हैं, पॉइंटर को जो मेमोरी स्पेस एलोकेट किया है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये रीअलॉक फंक्शन से हम कर सकते हैं। रीअलॉक फंक्शन क्या होगा, उसमें हम पॉइंटर पास करेंगे और साथ ही नए साइज, कितना साइज हम रखना चाहते हैं उस पॉइंटर के लिए, तो उस पॉइंटर को हम वापस से मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं एक न्यू साइज के अकॉर्डिंग। तो ये रीअलॉक फंक्शन है। तो ये चारों फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में पॉइंटर और ये मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस आपको समझ में आए, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।